राधे राधे सभी को। और ये जो मैंने ये जो ब्लॉग है वो कल रात का है और आज मैंने वॉइस ओवर किया है। तो ये देखिए, कल रात में मैंने बनाया था इडली और सांभर, तो मैंने सारी तैयारियां करके रख दी हैं। तो ये देखिए, दाल भी उबाल के रख दी है, ये है इमली गला के रख दी है मैंने गर्म पानी में थोड़ी सी जब तक गल जाएगी। तो ये देखिए, और ये है सांभर मसाला। तो वही है ना कि जब इडली सांभर बनते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है। ये मैंने कुकर में एक तरफ सब्जी भी छौंक दी है जो कि सांभर में डालनी है, और ये इमली गल चुकी है। तो ये मैं अच्छे से चम्मच से ना वो करके इसका जो पानी पानी है वो निकाल लूँगी, उसके अंदर दाल में डाल दूँगी। तो ये देखिए, मैं उसमें दाल मिक्स कर देती हूँ क्योंकि सब्जी मेरी बन चुकी थी। और ये मैंने दाल मिक्स कर दी है, अब इसमें इमली का पानी भी मिक्स कर दूँगी, सारी चीज़ें मिक्स कर दूँगी। और ये देखिए, मैंने चटनी भी बना ली थी तो, और ये इडली भी बना ली है मैंने। तो मैंने इडली सांभर तो कई बार आप लोगों के साथ शेयर किया है तो मैंने पूरी डिटेल नहीं की थी। तो ये देखिए, मैं किचन में तो आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये है इडली गर्मा गर्म। तो मेरे को तो देख के भाई मुँह में पानी आ जाता है जब मैं खाने बैठी, तो बड़ी टेस्टी सांभर बना था। आप लोग भी टेस्ट कीजिए। और ये देखिए, मैं मम्मी जी को देने गई हूँ एक गिलास पानी, आवाज़ दी थी मम्मी जी ने तो मैं देने गई हूँ। और ये मेरी किचन में बस सिर्फ किचन साफ़ करने रह गई है, तो साथ के साथ साफ़ कर दूँगी। तो ये जो मैंने जो सांभर वगैरह ये सब छोटे छोटे बर्तन है मैं करके रख दूँगी। और ये देखिए, मेरा ये जो बर्तन वगैरह थे मैंने साफ़ किए थे वो भी लगा दिए, और जो भी मेरी किचन में एक्स्ट्रा सामान था वो छोटे छोटे बर्तनों में डाल दिया। ये मेरी इडली और सांभर और चटनी तैयार है, आप लोग भी खाइए। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना, और फिर से अच्छी सी वीडियो लेके आऊँगी। बाय।